फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर पराठा, बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस और बहुत ही इजी और क्विक वे में। लेट्स बिगिन। पनीर का हेल्दी पराठा बनाने के लिए आज मैंने आटा लिया है 1.5 बोल। इसमें हम चुटकी भर नमक डालकर आटा बनाएंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आटा लगाना है। और पनीर के स्टफिंग के लिए पनीर मैंने ग्रेट कर रखा है और बहुत सारी वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपने चॉइस के कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो चलिए आटा लगाते हैं। इसमें नमक डाल लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आटा लगाएंगे। डो हमारा तैयार है, देखिए कितना सॉफ्ट है, रोटी की तरह ही लगाया है। इसे 10 मिनट रेस्ट करने देते हैं। पराठे के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पनीर ग्रेटेड लिया है, ग्रेटेड कैरेट, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड अनियन। अगर आप अनियन नहीं खाते स्किप कर सकते हैं। ग्रेटेड जिंजर, धनिया और पुदीना चॉप्ड किया हुआ। पुदीना अगर नहीं अवेलेबल है स्किप कर सकते हैं। और कुछ चॉप्ड ग्रीन चिलीज, आप अपने स्पाइस के टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। सौंफ, रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, सॉल्ट हमने आटे में भी लगाया डाला है, जीरा पाउडर, गरम मसाला। सबको मिक्स करके फिलिंग रेडी कीजिए। इस तरह से फिलिंग रेडी है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आटे के हमें 2 इक्वल साइज के बॉल्स लेने हैं। अब इन्हें रोटी की तरह हम पतला बेलेंगे। इस तरह से हमने दोनों बॉल्स को बेल लिया है पतला रोटी की तरह। देखिए अब हम बहुत ही सिंपल टेक्निक से पराठा बनाएंगे। ये फिलिंग इस पे लगा देंगे, मार्जिन्स छोड़कर लगाएंगे। इस तरह से मार्जिन छोड़कर हमने फिलिंग लगा ली है। जो मार्जिन्स हमने छोड़े हैं, हल्का सा उन पे पानी लगा लेंगे। और हमारी जो दूसरी हुई बेली हुई रोटी है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इस तरह से हम सब तरफ सील कर देंगे। इस तरह से सब सील्स कर दिए हमने साइड्स। अब हल्का सा इसको रोल करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। और पैन हमने गरम करने रख दिया है, इसको आप रोस्ट करेंगे। पैन गरम हो चुका है, मैं हमारा पराठा इस पे रख रही हूँ। एक तरफ से पराठा सिक गया है, मैंने इसे टर्न किया है, दूसरी तरफ भी अब टर्न करेंगे। आज हम पराठा घी में बनाएंगे। अब हम इस पर घी लगाएंगे और इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। देखिए कितना अच्छे से पराठा रेडी हो गया है, फ्लेम ऑफ कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, रेडी है बहुत ही सिंपल टेक्निक से पनीर पराठा, वो भी फुल ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी। देखिए कितने अच्छे से फिलिंग आई है, बहुत ही यमी क्रिस्पी बना है हमारा पराठा। इसे आप दही से या कैरी के इंस्टेंट अचार से खाइए। कैरी का इंस्टेंट अचार की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुक विद द बेस्ट।